जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूं आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो के साथ। क्यूब रूट किसी भी बड़ी संख्या का कैसे निकालें। वीडियो अच्छे लगे तो प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, जो मुझे एक और धमाकेदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। 1, 2, 3 या 10 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इस तरह करते करते 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आपने इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर 2 का क्यूब जो 8 आया है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखो यहाँ पर चेंज हो गया, 2 का 8, 3 का यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर चेंज इकाई का अंक। इसी प्रकार 7 का क्या हो जाएगा 3। 8 अगर आता है किसी संख्या के लास्ट में तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 2। बाकी इनको छोड़कर 2, 3, 8, 7 बाकी संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक समान रहता है। अब चलते इसी देख क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, यहां पर क्यूब रूट बताना है तो कैसे बताएंगे। देखो क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। इस ट्रिक के साथ अगर आप निकालोगे तो किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। जैसे इसका निकालना है, यहां पर आपने देखना लास्ट में कौन सी संख्या है, यहां पर 6 है और आपको पता है 2, 3, 8, 7 को छोड़कर इकाई का अंक बाकी संख्याओं का समान रहता है, तो 6 का यहां पर क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा इकाई का अंक। अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 अंक ऐसे काट देने हैं, लास्ट के 3 अंक। अब ये जो बचेगा 438, ये देखना है इनमें से सबसे नजदीक कौन सी संख्या के आता है, 438। यहां पर देखो 343 और 512 के बीच में आता है, तो यहां पर 7 और 8 यहां पर लिख लेते हैं, 7 और ये लिख लेते हैं 8, इनके बीच में आता है ये। तो जो छोटी संख्या है उसको लेंगे और यहां पर लिख देंगे, इतना सा काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल जी, इसी प्रकार एक संख्या और देखो, 7 है यहां पर, 7 का क्यूब रूट निकालेंगे या तो कितना है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, 3 आएगा, 3 लिख लेते हैं, फिर 3 अंक यहां से काट देते हैं। 571 किस क्यूब रूट के यहां पर बराबर है या इसके नजदीक है वो देखेंगे, 571 512 और 739 के बीच में आता है, यानी कि 8 और 9 इन दोनों के बीच में आता है ये संख्या 571, तो छोटी संख्या यहां पर लिखेंगे इसके आगे और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, सीख चुके हो गए आप। यहां पर देखे 5 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5, 3 संख्या यहां से काट देंगे तो 857 देखेंगे किसके नजदीक आता है, 9 और 10 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और छोटी संख्या आपको पता है यहां पर लेनी है, तो ये हो जाएगा 95 आंसर। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 2 है, 2 का मैंने क्या बताया था, डिजिट यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो आ जाएगा 8, ये लिखेंगे 8, 3 संख्याएं फिर काट देंगे और ये हो जाएगा 314 जो बचा है, ये देखेंगे कहां पर किसके नजदीक आता है 314, ये आता है आपका 216 और 343, इसके बीच में आता है, यानी कि 6 और 7 के बीच में आएगा, तो छोटी संख्या यहां पर लिख देनी है, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका देखो 9 है, तो 9 का क्या है इकाई का अंक 9 ही आएगा, तो यहां लिखेंगे 9, फिर ये 3 संख्याएं काट देंगे, फिर बचा 117 किसके नजदीक है यहां पर देखेंगे, 117 64 और 125 के बीच में आता है, यानी कि 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है, तो ये लिखेंगे 4 और 5, तो आपको पता है मैंने बताया है छोटी संख्या यहां पर लिखना है, ये आ जाएगा 49 और इस तरह से आप आंसर किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हो। ये थी आपकी ट्रिक, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।